हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 2, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, हमने ये देखा हो कि हमारी इंडिया में कई सारे फीचर्स हैं, ठीक है। फीचर्स का मतलब आप समझ रहे हैं, फिजिकल फीचर्स की मैं बात कर रही हूँ। फिजिकल फीचर जैसे कि प्लेन लैंड, हिली रीजन्स, प्लेटू, रिवर, नदियाँ, पहाड़, झरने, आइलैंड और ऐसे कई आइलैंड्स यहाँ पे हैं। और इतना ही नहीं, हमारे इंडिया में कई खूबसूरत सी जगहें हैं देखने को मिलती हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो डिफरेंट लैंडफॉर्म वाली कंट्री है। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा फिजिकल फीचर्स, ज्योग्राफिकल, पेनिनसुला, प्लेटू, काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारा चैप्टर है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, इसमें हम इन्हीं फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेटू, द इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। आज हमारा चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो हिमालयन माउंटेन है। द हिमालयन माउंटेन आर यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन इसलिए क्योंकि ये अदर माउंटेन के कंपैरिजन में जल्दी फाउंड होते हैं। और इन्हें फोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के कारण ये फोल्ड हुए हैं। अगर हम मैप पे देखें तो जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय फैला हुआ है। मैं आपको मैप पे दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये मैप है। ये देखिए, ये यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ से यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ तक आपका हिमालयस रेंजेस जो हैं वो यहाँ तक हैं, आपके रेंजेस यहाँ तक हैं। तो अगर हम वेस्ट साइड में देखें तो यहाँ पे रिवर इंडस फ्लो करती है, ये यहाँ पे। और यहाँ पे ईस्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। ये जो हिमालय माउंटेन है, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। मतलब यार, आप खुद ही देख लो कि यहाँ से यहाँ तक, जम्मू कश्मीर से यहाँ तक इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और ऊपर माउंटेन ज़्यादा है। और यहाँ से कम ये रहता है कि जम्मू से इसकी जो ब्रेथ है वो 400 किलोमीटर है। मैं आपको दिखाने के लिए, जो ये है इसकी ये ब्रेथ 400 किलोमीटर है और यहाँ पर जो इसकी ब्रेथ है वो 150 किलोमीटर है। जो अरुणाचल प्रदेश साइड इसकी ब्रेथ है वो 150 किलोमीटर है। जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, ये 3 रेंजेस में बटे हुए हैं। ऊपर वाली रेंज को हम हिमाद्री कहते हैं, उसके नीचे जो रेंज है उसे हिमाचल कहते हैं और जो सबसे नीचे वाली रेंज है उसे हम शिवालिक बोलते हैं। तो पहले हम हिमाद्री रेंज की बात करते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये जो रेंज है ऊपर वाली, इसे हम सबसे ऊपर वाली रेंज को हिमाद्री बोलते हैं और जो इसके नीचे है ये हिमाचल है और ये लास्ट वन शिवालिक रेंज है। तो जो हिमाद्री रेंज है ऊपर वाली सबसे, इस रेंज में जो माउंटेन होते हैं वो एवरेज हाइट उनकी 6000 मीटर होती है, इसलिए इन्हें ग्रेटर एंड इनर हिमालयस भी कहते हैं। ये बर्फ़ से घिरे होते हैं और ये ग्रेनाइट से बने होते हैं। दूसरी, अब हम हिमाचल की बात करते हैं। दीज आर बिलो द हिमाद्री रेंज एंड ऑल्सो कॉल्ड लेसर हिमालय एंड इनकी एवरेज हाइट 3700 मीटर से 4500 मीटर तक होती है। अब हम बात करते हैं जो लास्ट हमारा रेंज है शिवालिक, इनकी एवरेज हाइट 900 मीटर से 1100 मीटर तक होती है। और शिवालिक रेंज के जो माउंटेन होते हैं इसमें एलुवियल सॉइल के होते हैं। तो जो ये हमारा हिमालय है इसको हम एक एरिया वाइज भी डिवाइड करके आपको बता सकते हैं। जैसे कि जो इंडस रिवर है, जो यहाँ पे इंडस रिवर मैंने अभी आपको दिखाई थी, और जो सतलज रिवर के बीच में जो माउंटेन एरिया है उसे हम पंजाब हिमालयस के नाम से जानते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये जो इंडस रिवर है और ये जो सतलज है, तो इसके बीच का ये जो एरिया है, इसके बीच में जो आता है तो ये पंजाब हिमालयस कहलाता है। और इसके बाद जो काली और तीस्ता रिवर जो है, इसके बीच में ये यहाँ पे रिवर्स हैं काली और तीसरा, इसके बीच में जो रेंज आती है हिमालय की उसे नेपाल हिमालयस बोलते हैं। यहाँ पे जो नेपाल हिमालयस है और जो तीसरी हमारी तीस्ता टू दिहांग, इसे हम असम हिमालयस के नाम से जानते हैं। ये 3 रेंजेस में मतलब बटा हुआ है। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई थी, जो सतलज और काली रिवर है उसके बीच में जो हिमालय माउंटेन होता है उसे कुमाऊं हिमालयस बोलते हैं, और काली और तीस्ता रिवर के जो बीच में है उसे नेपाल हिमालयस बोलते हैं। तो अगर हम ईस्टर्न साइड में मैप अपना देखेंगे, अगर ईस्टर्न साइड में अपना हम मैप देखेंगे तो उधर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है, जिसे हम पूर्वांचल के नाम से भी जानते हैं, उसे हम ईस्टर्न हिल्स भी बोलते हैं।
तो जो पूर्वांचल है वो कंप्रोमाइजेस पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स, ये 3-4 हिल्स इधर ईस्टर्न साइड में फ्लो करते हैं। तो अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो जो द नॉर्दर्न प्लेन्स है दीज आर फॉर्म्ड बाई 3 मेजर रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर। मैं भी आपको ये मैप पे भी दिखाऊंगी। जो नॉर्दर्न प्लेन है ये एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। यहाँ पे बारिश काफ़ी अच्छी होती है जिससे कि फसल अच्छी होती है, तो गुड रेनफॉल होगी तो गुड क्रॉप्स होंगे। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है वो 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 242-320 किलोमीटर ब्रॉड है। ये सब आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग एक बार देख सकते हैं। ये पूरा डेटा यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। नॉर्थ प्लेन जो है, नॉर्दर्न प्लेन है, तो उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। पहला है पंजाब प्लेन्स, दूसरा है गंगा प्लेन, तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो जो पंजाब प्लेन है उसमें से इंडस रिवर निकलती है, और जो गंगा प्लेन है वहाँ से गंगा रिवर निकलती है, और लास्टली जो हमारा ब्रह्मपुत्र है तो उसमें ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, फ्लो करती है। जब शिवालिक रेंज से थोड़ा सा नीचे आएंगे, जो अभी मैंने आपको रेंजेस गिनाए थे, तो उसमें सबसे नीचे जो शिवालिक रेंज है उसके नीचे ज़रा सा आएंगे तो हमें भाभर रेंज देखने को मिलती है, भाभर, तरई और खादर रेंज। तो जो भाभर रीजन है, सॉरी दोस्तों मैं अपना वो रेंज नहीं, ये रीजन है। तो जो भाभर रीजन है ये 6-12 किलोमीटर चौड़ा होता है, और यहाँ पे स्टोन्स, पेबल्स, पत्थर देखने को मिलते हैं। जो तरई का इलाका है ये आपके सब एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया हुआ है। तरई का इलाका, तरई का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, वो जो दलदली ज़मीन होती है उसको तरई कहते हैं। तो तरई रीजन इज मार्शी रीजन एंड डेंस सॉल फॉरेस्ट आर फाउंड इन तराई रीजन। यहाँ पे फॉरेस्ट फाउंड होते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी रहता है, तो थोड़ा दलदली ज़मीन रहती है, मिट्टी और थोड़ा दलदला। और जो भांगर रीजन है ये, दिस रीजन इज़ मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल, यहाँ पे ये एलुवियल सॉइल से बना होता है। भांगर इज़ द लार्जेस्ट रीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, इसमें छोटे छोटे पत्थर देखने को मिलते हैं जिन्हें हम कंकड़ भी कहते हैं, जो आप कंकड़ देखते हैं। और जो हमारा लास्ट है खादर रीजन, इस रीजन में हमें कोई कंकड़ या पत्थर जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ पर हम ज़मीन देखते हैं जो कि काफ़ी फर्टाइल होती है एग्रीकल्चर के लिए। बेसिकली खादर रीजन इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। और ये सब ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग ये सब यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये देखिए ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे नीचे लेके यहाँ पे देख सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं मैप पे आपको दिखाऊंगी, ये नॉर्दर्न प्लेन्स, वेट, ये सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ये एरिया है, ये एरिया, ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है, ये आप लोग एरिया देख रहे हैं। और जो मैंने अभी आपको रिवर बताई थी इंडस रिवर, तो आप लोगों ने देखे इंडस यहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे है, और गंगा रिवर यहाँ से निकल के बे ऑफ बंगाल में आ जाती है, उतर जाती है। तो ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन का कुछ एरिया है। और जो खादर भांगर रीजन है जो अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ शिवालिक होते, तो यहाँ पर भांगर रीजन है, ये खादर, ऐसे ही धीरे धीरे नीचे रेंजेस इसमें आ जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पहले हम जानते हैं प्लेट्यू है क्या। प्लेट्यू इज़ अ फ्लैट लैंड डैट राइज अप इन कंपैरिजन टू अदर लैंड। प्लेट्यू एक ऐसी ज़मीन होती है जो नॉर्मल लैंड के मुकाबले थोड़ी ऊंचाई पे होती है। जैसे हम पहाड़ी इलाका देखते हैं एमपी में, कुछ रीज़न आपके इस बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, ये देखिए अ वाटर फॉल इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये जो ऊपर का एरिया है इसे हम प्लेट्यू बोलते हैं, और जो नीचे एक नॉर्मल लैंड होता है जहाँ पर आप लोग ये झरना जो नीचे गिरता है वो नॉर्मल लैंड होता है, और जो ऊपर है वो पूरा फ्लैट एरिया होता है, उसे हम प्लेट्यू बोलते हैं। अब मान लो ऐसी कोई जगह है जो 3 साइड पानी से घिरी हो और एक साइड लैंड हो, तो उस जगह को हम पेनिनसुला बोलते हैं। मैं आपको मैप पे इसको दिखाने की कोशिश करती हूँ। आपके ऊपर ये पेज नंबर एनसीईआरटी में 9 पेज नंबर 9 पे आप यहाँ पे ओपन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अपने इंडिया मैप को देखेंगे तो ये तीनों साइड ये पानी से घिरा हुआ है, ऊपर जो है ये लैंड है, तो मतलब ये एक पेनिनसुला है। तो पूरा ये एरिया जो है ये हमारा पेनिनसुला का एरिया है, ठीक है। तो अब इस पेनिनसुला प्लेटू में से एक रिवर निकलती है जिसे हम नर्मदा रिवर बोलते हैं। तो जो ये ऊपर का एरिया है इसे हम सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, और जो नीचे का एरिया है इसे डेक्कन प्लेटू कहते हैं। जो ये प्लेटू यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये नर्मदा रिवर, ये आपकी नर्मदा रिवर है। इसके ऊपर का जो एरिया है ये सेंट्रल हाईलैंड है, और ये जो इसके नीचे का एरिया है
इसे हम डेकन प्लेटू बोलते हैं, ये डेकन प्लेटू है। और मतलब जो पेनिनसुला है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक नर्मदा रिवर और एक विंध्या रेंज। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, विंध्या रेंज आपको ये यहाँ दिख रही है, सतपुरा रेंज के ऊपर ये विंध्या रेंज है और ये आपकी नर्मदा रिवर है। और तो यहाँ पे सतपुरा रेंज के बीच में फ्लो करती है, मतलब ये विंध्या और सतपुरा रिवर के जो दो रेंजेस हैं इनके बीच में रिवर नर्मदा फ्लो करती है। और यहाँ अरावली हिल्स हैं, अरावली हिल्स मैं आपको दिखाती हूँ, अरावली हिल्स ये अरावली रेंज है, ये यहाँ पे ये अरावली रेंज है आप देख रहे हैं। और इन दो रेंजेस के बीच में नर्मदा रिवर है, आप लोग यहाँ देखिए विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज। तो जो सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक मालवा प्लेटू है, एक छोटा नागपुर प्लेटू है। डेक्कन प्लेटू है इसके वेस्टर्न घाट में, और जो ईस्ट साइड में है उसकी ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट की जो हाइट होती है वो 900 से 1600 मीटर होती है, और ईस्टर्न घाट है वो 600 मीटर साइड उसकी तरफ मतलब पहाड़ होते हैं। मतलब कि मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो आपका एरिया है ये वेस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न घाट है, और ये जो है ये ईस्टर्न है। थोड़ा सा नीचे मैं आपको करूँगी तब आपको समझ में आएगी, ये रहा ये आपका वेस्टर्न घाट है, आप देख लीजिए ये आपका ईस्टर्न घाट है। तो इधर तरफ की जो ये हाइट होती है ये 900 टू 1600 मीटर होती है, और ईस्टर्न घाट की जो होती है वो 600 मीटर होती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द इंडियन डेजर्ट। तो ये जो अरावली हिल्स मैंने अभी आपको दिखाए थे तो ये वेस्टर्न साइड में है। हम जानते हैं कि जो जो ये डेजर्ट है, डेजर्टी एरिया, यहाँ पे चारों ओर रेत ही रेत होती है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। तो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है, इंडिया में है। यहाँ पे मतलब 150 mm रेनफॉल पर ईयर होती है, और यहाँ की सबसे बड़ी रिवर लूनी रिवर है, जो हमारा ये सब ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द कोस्टल प्लेन। ये जो कोस्टल प्लेन होते हैं ये अरेबियन से बे ऑफ बंगाल तक होते हैं, जो वेस्ट की तरफ होते हैं उन्हें वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं, और जो ईस्ट की तरफ होते हैं उन्हें ईस्टर्न कोस्ट बोलते हैं। तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है, तो मैं आपको एक बार बना के यहाँ दिखाती हूँ। ये आपका समझ लीजिए, ये आपका नीचे का, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, ये आपका नीचे का पार्ट है, ये यहाँ पर तीन पार्ट्स में डिवाइड है। वेस्टर्न है, ये वेस्टर्न कोस्ट है आपका, और ये ईस्टर्न कोस्ट है। तो वेस्टर्न कोस्ट तीन पार्ट में डिवाइड है, 1, 2, 3। जो पहला है ये कोंकण कोस्ट है, ये कोंकण कोस्ट है, ये दूसरा कन्नड़ कोस्ट है, और तीसरा मालाबार कोस्ट है। और ईस्टर्न कोस्ट दो पार्ट में डिवाइड है, पहला कोस्ट है ईस्टर्न कोस्ट और सर्कस, नॉर्दर्न सर्कस भी इसे बोलते हैं, और जो लास्ट वाला ये इसे कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। ये आप लोग मैप पे यहाँ पे देख सकते हैं, आपके मैप पे बना हुआ है ये ऊपर मैप, आपका पेज नंबर 9 पे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये देखिए ये कोरोमंडल है, दिस इज़ कोरोमंडल कोस्ट, और ये यहाँ पे नॉर्दर्न सर्कस, और ये मालाबार कोस्ट है, कोंकण और कन्नड़ कोस्ट। ठीक है, आपके ये तीन कोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है द आइलैंड्स। ये हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, द आइलैंड। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। द आइलैंड, तो इंडिया में दो आइलैंड हैं, लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड इन अरेबियन सी, अंडमान निकोबार आइलैंड लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। तो ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है इट नेम्ड बिफोर 1973 के पहले इसका दूसरा नाम था, इसका नाम था लक्कादीवी मिनिकॉय अमीडीवी आइलैंड, एंड 1973 के बाद इसका नाम हो गया लक्षद्वीप आइलैंड। तो ज्योग्राफिकल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है, और इसकी जो कैपिटल है वो कवरत्ती है। अब हम अपना अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में बात करते हैं। ये नॉर्थ की तरफ है, जो इसमें मतलब अंडमान और अंडमान साउथ की तरफ है, जो निकोबार आइलैंड होते हैं यहाँ काफ़ी घने जंगल पाए जाते हैं, और यहाँ पर आइलैंड जो है वो, इस आइलैंड पे एक एक्टिव वोल्केनो भी है। तो ये जो हमारे दो आइलैंड्स हैं इनके बारे में तो आपने देख लिया, मैं आपको मैप पे भी आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो ये जो दोनों आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड, इनका आप लोग यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, ये इसको पढ़ लीजिएगा आप थोड़ा सा, ये देखिए आपके इसके बारे में दिया है। तो ये जो हमारे फीचर्स हैं इंडिया के, वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं।
हर एक फीचर, फिज़िकल फीचर काफ़ी रोल प्ले करता है हमारे इंडिया के लिए। जैसे कि जो प्लेट्यू है उनसे हमें मिनरल्स मिलते हैं, जो हमारे फिज़िकल फ़ीचर हैं उन इंडिया के, वो काफ़ी इंडिया को खूबसूरत बनाते हैं। फिर वो चाहे प्लेट्यू हो, माउंटेन्स हो, या कोस्टल एरिया हो, आइलैंड्स हो, हर एक चीज़। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया हो। अगर आपको वीडियो में कुछ भी ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।